हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट लॉजिक। और आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कट क्रीज वाला मेकअप ट्यूटोरियल। सॉरी, नॉट मेकअप ट्यूटोरियल, ओनली आई। और मैं एक आंख में करूँगी, एक आंख में नहीं, जैसा कि आप मेरे पिछले वीडियोस में देख चुके हैं, ठीक वैसे ही। तो विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट इनटू द वीडियो। हे गाइस, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी इस मेकअप के लिए। तो हमें चाहिए कुछ ब्रशेज जो आपको इजीली ऑनलाइन मिल जाएंगे। साथ ही मैंने मेबलिन का कंसीलर लिया है, एक कॉम्पैक्ट, और प्राइमर, आई को प्राइम करने के लिए आई प्राइमर। तो मैं आई प्राइमर को एज ए एलोवेरा जेल यूज़ करूँगी। ये बहुत स्मूथ और बहुत बजट फ्रेंडली होता है, आप सब इस तरीके से कर सकते हैं। मैं बहुत डिटेल में वीडियो बना रही थी गाइस, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, सो मुझे इसको स्पीड मोड पे करना पड़ा। आई होप कि मैं वॉइस ओवर से आपको अच्छे से समझा पाऊँगी जो मैंने किया है। सो सबसे पहले तो मैंने एलोवेरा जेल से अपने आईज़ को प्राइम कर लिया, और जब वो थोड़ा सा सूख जाए तो फिर मैंने कंसीलर को, यहाँ मैं मेबलिन का फिट में कंसीलर यूज़ करूँ, अराउंड योर आईब्रोज एंड अपर आईलिड एंड लोअर आईलिड पर अच्छे से इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर्स। आप चाहें तो आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं फिंगर्स से ही ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि मैं इजी टेक्निक बता रही हूँ आप किस तरीके से कट क्रीज वाला मेकअप अपने आईज़ पे कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ है कि मैंने ब्रश से थोड़ा सा इसको ब्लेंड किया है, लास्ट फिनिश दिया है। और उसके बाद मैं लूँगी एक यहाँ पर ब्राउन कलर का पेंसिल, इट्स ब्राउन आई लाइनर है ये, तो मैं इस पेंसिल को यूज़ करूँगी और हमारे जो आईब्रो का सेंटर है ना, वहाँ से मैं क्रीज बनाऊँगी डिफाइन करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आईब्रो को एक स्पूली ब्रश से कॉम कर लूँगी और आईब्रो पेंसिल से आईब्रोज को फिल कर लूँगी, क्योंकि विदाउट आईब्रो ना आपकी आईज़ उतना अच्छा, आपके आईज़ का मेकअप उतना उभर के नहीं आता जब तक कि आपकी आईब्रोज अच्छे से नहीं बनी होती हैं। तो ये देखिए, फिर मैंने ब्राउन लाइनर पेंसिल से और ब्राउन पेंसिल से अच्छे से क्रीज एरिया को डिफाइन किया, और अब मैं एक क्रीज ब्रश ली हूँ। मैं पूना स्टोर का ब्रश यूज़ कर रही हूँ, आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे आसानी से इसको ख़रीद सकते हैं। और अब मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ माय दिस ब्रश। सो मैंने अच्छे से इसको ब्लेंड करना है। और मैंने एकदम जो आउटर कॉर्नर है वहाँ पे आपको क्या होता है कि कलर लेके थोड़ा सा रख देना होता है, तो मैं वहाँ पे ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर ले रही हूँ। मैं यहाँ एडीएस की पैलेट का ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ, तो इसको मैं अपने आउटर कॉर्नर पे इस तरीके से टैप टैप करके थोड़ा सा ब्लेंड करते हुए इसको वहाँ पर फिल कर लूँगी। एक बार मैं क्रीज एरिया को फिर से डिफ़ाइन की हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा ब्लेंड करने में हाइड हो गया था। सो वंस अगेन आई हैव डन। और फिर अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ऑल ओवर माई आईलेट, स्पेशली इन क्रीज। और उसके बाद क्रीज का मेकअप करने के लिए अब मैं कंसीलर को जहाँ जिस एरिया पे मुझे कलर पैक करना है, सिर्फ उतने एरिया पे कंसीलर अप्लाई करूँ। और एक फ्लैट ब्रश लिया है इस तरीके का, आप देख रहे हैं, उसकी हेल्प से इसको अच्छे से टैप कर लूँगी। जो भी एक्सेस अमाउंट है ना, मैंने उसको नीचे की ओर वो कर दिया है, नीचे लगा दिया, क्योंकि बहुत ज़रा सा आपको लेना होता है। तो इस तरीके से देखिए, तो इस कलर से मैं अपने आईज़ को फिल कर दूँगी। एंड आउटर कॉर्नर पे मैंने थोड़ा सा पिंक कलर लिया है और उसको मैं आउटर कॉर्नर पर पिंक, तो फिंगर्स की हेल्प से या फिर एक जो
जो इस तरीके के ब्रश आते हैं उससे आप कर सकते हैं। अब फाइनल टचअप देने के लिए मैं अपने क्रीज एरिया को एक बार फिर से डिफाइन करूँगी और अच्छे से ऑल ओवर ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखाई दे। और उसके बाद अब मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है, सो आई एम जस्ट एडिंग माई मस्कारा एंड माई काजल इन माई लोअर वाटर लाइन एंड अपर वाटर लाइन एंड अ लाइनर। और हाइलाइटर से जो है आईब्रोज़ के नीचे इनर आई कॉर्नर्स को अच्छे से, ताकि इससे आपकी आईज़ का जो डायमेंशन है वो थोड़ा बड़ा दिखे, तो उस तरीके से मैं कर लूँगी और आप दोनों आईज़ में डिफरेंस देख पा रहे होंगे। लोअर वाटर लाइन पे भी मैंने थोड़ा सा ब्राउन कलर और पिंक कलर को हाफ हाफ सेक्शन में करके बहुत ज़रा से अमाउंट में अच्छे से लगा लिया है। मैंने काजल भी अप्लाई कर लिया, मैं लैक्मी का काजल यूज़ कर रही हूँ, आई थिंक इट्स बेस्ट, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये काजल। और फिर बहुत पतला सा लाइनर बनाना है आपको, लाइन बनानी है लाइनर की, तो मैंने लाइनर भी लगा लिया। तो मैं यहाँ मेबलिन का स्केच लाइनर यूज़ किया है और मस्कारा लगाने के पहले ना मैंने थोड़ा सा पाउडर से अपने आई लैशेस को वो कर दिया, तो इससे आपके जो है लैशेस थोड़े और बिगर वॉल्यूम दिखता है उसका। इस तरह से लोअर और अपर वाटर लाइन पर मैंने मस्कारा अप्लाई कर लिया है। मस्कारा भी मैं यहाँ मेबलिन का ही यूज़ कर रही हूँ, मेबलिन सेंसेशनल मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा कलर को और फिल कर दिया क्योंकि थोड़ा सा वो मेरे को लगता है लाइनर और मस्कारा लगाने की वजह से हाइड हो गया था। तो एक बार से क्रीज एरिया को फिर से हल्का सा डिफाइन करूँगी ताकि अच्छे से वो हाईलाइट हो और ब्लेंड कर लूँगी। सो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आप दोनों आईज में डिफरेंस देख पा रहे होंगे। तो कट क्रीज का ये इजी मेकअप ट्यूटोरियल आई होप कि आप सबको पसंद आएगा। सो अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।